बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास के 6 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी का जो लास्ट टॉपिक है 6.9 पावर, उसको स्टडी करेंगे। तो पावर के बेसिकली क्या है? पावर बेसिकली जो है वो ताकत है। किसी भी इंसान की अगर हम लोग बात करें कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, इट मीन्स कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है कोई भी काम करने की, जो उसकी एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसको अगर हम लोग एग्जांपल से अगर समझेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा इसको समझना। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं दो लोग बनाती हूँ इस तरह से, और दोनों को एक ही टास्क जो है वो दे देते हैं करने के लिए। अगर हम लोग इंडस्ट्रीज़ में जाते तो मोस्टली लेबर्स का क्या काम होता है कि शिफ्टिंग करना, बाहर जो माल आया होता है वो उठा के अंदर लेकर आते हैं। तो यही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि ये इन लोगों का काम है शिफ्टिंग करना, कि ये जो इनके पास बाहर जो भी मटेरियल आया है उन्होंने वो उठा के क्या करना है, अंदर लेकर आना है। अब वो क्या करते हैं, ये इनके पास आकर फॉर एग्ज़ाम्पल दो बॉक्सेस है इन्होंने उठा के अंदर लाने हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल चार बॉक्सेस हम लोग कर लेते हैं, ये चार बॉक्सेस हैं उन्होंने उठाने और उठा के अंदर जो है वो ले कर आने, बाहर से उठाने और अंदर ले कर आने। तो क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पहला आदमी है ये इन्हीं चार बॉक्सेस को उठाने के लिए कितना का टाइम जो है वो लेकर, ये एक घंटे के अंदर अंदर जो है वो चारों बॉक्सेस उठा के अंदर जो है वो इंडस्ट्री की जो रिक्वायर्ड प्लेस है जहाँ पे उसे रखना वहाँ पे रख देता है। लेकिन जो दूसरा इंसान है वो इन्हीं चारों बॉक्सेस को उठाने के लिए कितना टाइम ले रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 घंटे ले रहा है। तो अब अगर हम लोग इनका कंपैरिजन करें तो किसकी पावर ज़्यादा होगी? ओबियसली उस इंसान की पावर ज़्यादा होगी जिसने कम टाइम में काम किया, क्योंकि काम तो दोनों ने इक्वल किया। इसने भी फोर बॉक्सेस ही जो है वो चार बॉक्स उठाएं और अंदर रखे, और इसने भी ही चार ही बॉक्स उठाए, चारों के चारों इसने अंदर रखे। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आया है? फ़र्क उनके टाइम में आया। इसने एक घंटे में ये काम कंप्लीट किया और इसने वही काम जो है वो 3 घंटे में जो है वो कंप्लीट किया। इसका मतलब है जो इंसान कम टाइम में काम करेगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो पावर को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? पावर बेसिकली क्या हुआ, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? पावर इज डिफाइन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क कि कितने काम कितने टाइम में जो है आप लोग काम जो है वो करते हैं। तो पावर का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला जो है वो पावर का क्या होगा, हमारा फार्मूला पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय पर टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो पावर को पी से डिनोट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से और टाइम को जो स्मॉल टी से। तो पावर का फार्मूला क्या बन जाएगा, पी से इक्वल टू टी डब्ल्यू बाई टी। तो पावर की कौन सी क्वांटिटी है? पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है? क्योंकि वर्क जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी और टाइम जो है दोनों वो भी स्केलर क्वांटिटी, दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, इसलिए जो हमारा पावर है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए हमें जो है वो कोई भी डायमेंशन जो है वो रिक्वायर नहीं है। अब हम लोग के पावर के यूनिट की अगर बात करें तो पावर का यूनिट क्या है, पावर का जो यूनिट है वो है वाट, और वाट को जो है वो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग वाट को डिफाइन करें तो वाट जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके अलावा अभी इसके यूनिट्स है वो भी पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग वाट को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा पावर का जो यूनिट्स है वो किलो वाट है, मेगा वाट है। किलो मीन्स 10^3 वाट और मेगा मीन्स 10^6 वाट। तो किलो का है क्या आ जाएगा, 10^3 वाट, और मेगा क्या होगा हमारा, 10^6 वाट। और 1 वाट किसके इक्वल है, 1 वाट की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 वाट ये किसके इक्वल होगा, 1 वाट इक्वल होगा बेसिकली अगर हम लोग 1 जूल वर्क जो है वो 1 सेकेंड में करते तो हमारा जो पावर क्या होगी वो 1 वाट होगी।
तो पावर ऑफ अ बॉडी इज़ वन वॉट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ वन जूल पर वन सेकेंड. द पावर ऑफ अ बॉडी इज वन वॉट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ वन जूल पर सेकेंड. मीन्स कि अगर आप एक जाउल वर्क एक सेकेंड में करते हैं, वन जाउल वर्क जो है वो एक वन सेकेंड में करते हैं, तो आपकी जो पावर होगी वो क्या होगी, वो वन वॉट होगी. तो जो हमारा टॉपिक था पावर, वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया. तो हमारा जो सिक्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया. इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने पहले से अपलोड कर दिए, वो आप लोग न्यूमेरिकल्स जो है वो देख सकते हैं. तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो वो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.